2014 से पहले लौह अयस्क, जो कच्चा लोहा होता है, आयरन ओर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका निर्यात सिर्फ एमएमटीसी कर सकती थी, सिर्फ एमएमटीसी को ही उसका की अनुमति थी। और एमएमटीसी भी सिर्फ वो लौह अयस्क निर्यात कर सकती थी जिसमें 64% लोहे का संकेंद्रण या कॉन्सेंट्रेशन होता था, 64% FE। आपने और हमने जो बचपन में केमिस्ट्री और सब पढ़ा था तो उसमें थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन जिसमें 64% FE का होता है, सिर्फ उसको MMTC निर्यात कर सकती थी। और MMTC में 89% सरकार की हिस्सेदारी है, तो ये एक सरकारी कंपनी है। लौह अयस्क के निर्यात पर 30% निर्यात शुल्क भी लगता था, ड्यूटी भी लगती थी। यह इसलिए किया जाता था, पिछली सरकारों ने, जिस भी पार्टी की सरकारें रही हों 2014 से पहले, उन्होंने यह इसलिए किया था कि जो अच्छी क्वालिटी का उम्दा स्तर का लौह अयस्क है वो देश में ही रहे, प्राकृतिक संसाधन है, वो देश में ही रहे और देश के भीतर जो स्टील प्लांट हैं उनके उपयोग में आए। बहुत स्पष्ट नीति थी, बड़ी सोची समझी नीति थी, देश के हित की नीति थी। अलग अलग पार्टियों ने सरकारें बनाई, सबने इस नीति पर अमल रखा किया। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, मई में आई थी, 26 मई को जहां तक मुझे याद आता है शपथ ली थी, यह तमाम नियम कानून आनंद फानन में पहले 2 महीनों में ही बदल दिया। आते ही जैसे कि कोई उधार है उनके सर पे किसी का, कि वो उधार उतारना है, सरकार बन गई, जिसके लिए बनी उसको थोड़ा उपकृत कर दें, ये ऐसा कोई निर्णय लिया गया। स्टील मंत्रालय ने सबसे पहले तो 64% संकेंद्रण कॉन्सेंट्रेशन का नियम बदल दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको हल्का कर दिया। और कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड KIOCL को चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान में लौह अयस्क निर्यात की अनुमति दे दी। KIOCL, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड।